सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4 और अलार्म लगा है मेरा सुबह के 8 बजे का, बिकॉज़ मेरे को ऑफिस जाना है और मैं जगा हुआ हूँ बिकॉज़ मेरे को नींद नहीं आ रही। ये सारा चार्जिंग का सामान जिसको मुझे चार्ज पे लगा के जाना है ऑफिस, क्योंकि जब तक ऑफिस से आऊँ ये सारी चीज़ें चार्ज हो जाएं। अब एक साथ तो हो नहीं सकती, तो कुछ लगा दिया था, कुछ लगाना बाकी है। अमेज़ॉन से 2 पैकेट आया हुआ है और ये बेसिकली एडिशनल यू नो मोबाइल होल्डर, क्योंकि अगर ट्रिप पे एक मोबाइल होल्डर टूटता है तो दूसरा मेरे पास ऑलरेडी है। पूरा रूम एक्चुअली बिखरा पड़ा है, मतलब कपड़े सारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, पैकिंग मेरी बाकी है और अभी अपन प्लान कर रहे हैं चाय पीने का सुबह के 4 बजे। ये लड़की सोती नहीं है। स्कूप्स स्कूप्स वही स्कूप्स। एक्चुअली मेरी वजह से इसकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज लाइट जलता है, खुरापात होता रहता है रूम में, कुछ ना कुछ इधर उधर, तो इसको नींद ही नहीं आती। फिर ये क्या करेगी, ये जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो ये पूरे दिन सोती रहेगी। राइट शेक हैंड, शेक हैंड। देखो तुम समझ तो रही हो, तुमने कान पीछे कर लिए थे, शेक हैंड। चलो आओ। सी क्यूट है रे तू, मोटी। प्रॉब्लम है लड़की तेरी सुबह सुबह? प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आ नींद रही। नहीं आ रही है, ट्रिप की वो है ना चुल, ओवर एक्साइटमेंट। हाँ मतलब उसको, सॉरी ओवर एक्साइटमेंट। चेयर्स कर लो, अच्छा सॉरी। चखना में मखाना, क्योंकि भैया यहाँ पे जो काजा का टेम्परेचर देख रहे हैं वो तो माइनस में है, -6 से -19, और हम पहुंचने वाले काज़ा अप्रॉक्सीमेटली मंडे या ट्यूसडे को, और उस समय टेम्परेचर रहने वाला है जी -2 से -9 के बीच, और शायद हमें स्नोफॉल मिल सकती है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड। और ये एक्साइटमेंट के बाद अगर आपको नींद आ गई तो भाई बेकार है आपका ट्रिप प्लान करना। अपन निकले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम निपटाने, अब क्योंकि रात में सो ही नहीं, ऐसे एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, पता नहीं साला एकदम एड्रेनल तो मतलब अलग ही लेवल पे है बॉस, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा, क्योंकि यार बड़ी मस्त जगह जा रहे हैं। तो वहाँ के लिए ना अपने ने बहुत शॉपिंग की है, मतलब ट्रिप स्टार्ट होने के पहले पूरी ट्रिप की प्लानिंग, खाना पीना ले जाना, प्लस गैजेट्स। मैं गैजेट्स और थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ों में ना मतलब ऐसे ना कुछ कुछ खरीदता रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ अमेज़ॉन से मंगाता रहता हूँ। तो अपन ने आज डिसाइड किया कि यार अभी इस ट्रिप पे जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विज पर्टिकुलर मोबाइल से एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 1+7 Pro है। तो मैंने ये 1+7 Pro ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले लिया था, और अभी भी मैं नॉर्मल जो डेली व्लॉग्स है फ़ोन से ही बना लेता हूँ यार, बहुत कन्वीनियंट होता है। तो अभी क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा मेरे को इशू आ रहा है, बिकॉज अभी 1.5 साल यूज़ करने के बाद जो रात में जो क्लैरिटी चाहिए ना वो थोड़ा सा नहीं आ पाता, प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 1.5 साल में चीज़ें मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो जाती है, कैमराज इतने नए आ जाते हैं। तो अपन जा रहे हैं इस फ़ोन को चेंज करने, मतलब ये फ़ोन रहेगा बट अपन जा रहे हैं एक और नया फ़ोन उठाने। वो फ़ोन आज ही लॉन्च हुआ है, इनफैक्ट 2 फ़ोन लॉन्च हुए हैं 2 दिन में, और बहुत सारा कंपैरिजन वीडियो और बहुत सारा एनालिटिक्स के बाद डिसाइड किया कि नहीं यार इस बार कुछ अलग करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो मैं रात की रिकॉर्डिंग है ना यहाँ से करता हूँ, सो दिस इज़ वेयर आई माउंट माई फ़ोन और फिर पूरा बोनट का व्यू आता है। बट क्योंकि वन प्लस से ना अब थोड़े से फुटेजेस अच्छे नहीं आ रहे, कैमरा सेंसर थोड़ा वीक हो जाता है, फुटेजेस जैसे आने चाहिए, क्रिस्प आने चाहिए, वो नहीं आ पाता, कलर्स वो नहीं आ पाता। तो मैंने सोचा नहीं यार एक इन्वेस्टमेंट कर ही देते हैं, चल ठीक है। तो अपन जा रहे हैं अभी फ़ोन उठाने, अभी कौन सा फ़ोन उठा रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको बताते हैं। अब इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए मैंने 2-3 जगह फ़ोन किया, इनफैक्ट क्रोमा भी फ़ोन किया, क्योंकि फ़ोन आज ही लॉन्च हुआ है तो स्टॉक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लकली एक ऑथराइज डीलर पे एक फ़ोन अवेलेबल है, तो मैंने कहा भैया प्लीज़ किसी को देना मत, मैं आ रहा हूँ। मतलब वो पता नहीं क्या यार, फ़ोन हो गाड़ी हो कोई भी नई चीज़ हो ना, वेन यू वॉन्ट इट यू रियली वॉन्ट इट, मतलब आप फिर वेट नहीं कर सकते यार। और मेरे साथ तो बिल्कुल भी मतलब पेशेंस लेवल ना 0 है यार, 0।
सो पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे था वन प्लस नाइन प्रो और वीवो एक्स 60 प्रो प्लस। सो दोनों का प्राइस 70,000 है और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। मैं जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वन प्लस 7 प्रो ही है, तो वन प्लस काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, वीवो पहली बार ले रहा हूँ। एंड 9 प्रो का भी प्राइस उतना ही है, इस पर थोड़ा सा कैशबैक और बाकी डिस्काउंट था। और प्लस जो इसका कैमरा जिसकी वजह से मैं ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप देखो तो इसके कैमरे पे ना जो वाइड एंगल लेंस है 50 मेगापिक्सल का, उस पर गिम्बल है। तो मेरे को जो नॉर्मली चाहिए नाइट मोड के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, अगर मैं गोप्रो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सो दिस विल हेल्प। तो अभी बिल कराते हैं, कार्ड स्वाइप कराते हैं। कलर एक ही आता है, बैक कुछ ऐसा दिख रहा है, लेदर, वीगन लेदर। और वन प्लस मेरे पास ऑलरेडी था सेम वन प्लस 9 प्रो, ये भी 1 तारीख को लॉन्च हुआ और ये आज लॉन्च हुआ 2 अप्रैल को। तो चलो अभी कार्ड स्वाइप कराते हैं, फिर बताता हूँ। तो फ़ोन अपन ने ले लिया है एंड अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे थोड़ी देर में, ताकि चेक वेक कर लेंगे। प्लस आज क्या था स्पेशल? आज सुपर डे, विदाउट बुकिंग, विदाउट बुकिंग पहला कस्टमर जो फ़ोन लेने आया है। अच्छा, वीवो एक्स सिक्सटी सीरीज सुपर डे, तो अपन को ये केक भी नसीब हो गया है। केक आप पहले से ला के रखे थे या मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ तब लेके आया? अच्छा, मैंने जो फ़ोन किया कि मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ तब। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वेरी स्पेशल। एंड मैंने गाड़ी लेते हुए केक काटा है, फ़ोन लेते हुए पहली बार काट रहा हूँ। तो अपन के ये चार्जर मिल जाता है 55 वॉट का, केबल मिल जाता है, सिम ट्रे और ये बैक कवर। तो यार बैक कवर तो एक्चुअली इसका बहुत ही सुंदर है, बैक बहुत ही सुंदर है। तो अब एक पूरा फ़ोन सिर्फ फ़ोटो और वीडियोज़ के लिए लिया है, तो होपफुली इससे क्वालिटी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। ओके, सो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है नए वाले वीवो के X60 प्रो प्लस, माइनस माइनस 2-3 और नाम ऐड हो जाता तो भाई और बड़ा हो जाता। तो ये नॉर्मल लेंस है वाइड एंगल और ये सुपर वाइड, तो इस पर गिम्बल है। तो अब मैं ड्राइव करते वक्त भी अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे उबड़ खाबड़ भी है, मेरा हाथ हिला भी, बट वीडियो स्टेबल है। सो एग्जैक्टली यही रीज़न है मेरा इस फ़ोन को लेने का, 70,000 रुपये अचानक से सुबह उठ के, कोई प्लान नहीं था, मतलब सुबह उठ के तो कोई भी प्लान नहीं था, बट फाइनली ले ही लिया। भैया पूरा ऊपर तक ना, ठीक है, ऑटो कट से भी ऊपर। ओके चलो जी, ये वाला काम बहुत मज़ेदार होता है भाई, ट्रिप ज़ीरो करना और टैंक लबालब कराना। तो अपन वो करा रहे हैं क्योंकि कल पता नहीं कब निकलेंगे, अभी तो पता ही नहीं है कि निकलना कब है। तो जब भी निकलना होगा भाई, टैंक में डीजल रहेगा तो निकल जाएंगे। अब ये जो कैमरे और स्टेबिलिटी का डिफरेंस है ना, मतलब स्टेबिलिटी तो सीरियसली मेरे को समझ में आ रहा है वाइड एंगल लेंस में ना। अभी मैं कैमरा ऊपर नीचे कर रहा हूँ तब भी देखो इट्स अ स्मूथ मूवमेंट, मूवमेंट तो है, बट गाड़ी चलाते वक्त अगर आपको व्लॉग करना है या हाथ में लेके व्लॉग करना है और आप गोप्रो कैरी नहीं कर रहे हो, तो मेरा पूरा का पूरा पर्पस इस फ़ोन से सॉल्व हो जाएगा। प्लस द लोड लाइट कैपेबिलिटीज़ है जो कि हम बाद में टेस्ट करने वाले जब अंधेरा हो जाएगा। तो 70,000 वर्थ लग रहा है अभी तक। ये शायद अपने मन को तसल्ली देने के लिए भी मैं कह रहा हूँ, बट देखो अभी ना नॉर्मल अगर फ़ोन से मैं व्लॉग करूँ और बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड जैसे कि यहाँ पे है और ऐसा रहे ना, तो यार गाड़ी के साथ साथ ना आपका हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। अब एग्जैक्ट स्टेबिलिटी तो जब मैं घर जाऊंगा उसके बाद जब सिस्टम पे लगाऊंगा तभी पता चलेगा, बट आई थिंक दिस इज डूइंग अ डिसेंट जॉब। तो अब अपनी फाइनली पैकिंग स्टार्ट हो रही है, बिकॉज कपड़े समझ में नहीं आ रहे क्या लेने, सारे गर्म कपड़े तो अंदर रख दिए थे और अब गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। कुछ घर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को ना पजामा वगैरह नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पर ना पजामा वगैरह पहनने का ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ड्राइव के टाइम पे भी ना गर्म ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। ओके ओके। एक बैग में ना कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे कि इसको डिसाइड किया कि भाई इसको छोटे छोटे बैग में करते हैं, ताकि वहाँ पे अगर होटल पे जाना पड़े और होटल पे लिफ्ट नहीं रहे, जो कि ऑफकोर्स नहीं होने वाला है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, लिफ्ट बड़ा सोच रहा हूँ मैं, तो वहाँ के लिए ना एटलीस्ट हमारे पास ना छोटे बैग रहें और उसमें हम कपड़े
यू नो इजीली कैरी कर लें, प्लस साथ साथ में वीडियो भी एडिटिंग कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो कल सुबह पब्लिश हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, यहाँ से सारा टेबल साफ़ कर दिया है, कुछ कुछ गैजेट्स बचे हैं जो कि सुबह निकालने हैं, तो फ़ोन वोन बाकी सारी चीज़ें चार्ज कर लिए हैं, अपना कैमरा बैग यहाँ पे चार्ज हो गया है, कपड़े निकाल के रख लिए जो कल पहनने हैं, यहाँ पे अपने दो बैग्स हैं, ये दो छोटे छोटे बैग्स इसलिए लिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक बड़ा बैग कैरी करने में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और अपना ये बैग रहेगा जहाँ पे अपना सारा ड्रोन रहेगा। सो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, आई होप ये वीडियो आपको पता नहीं अच्छा लगा नहीं लगा हो, मतलब ऐसी कैमरा उठा के रिकॉर्ड करने लगा यार, एंड अभी नया फ़ोन लिया है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू यूज़ एज मच एज आई कैन। आई होप स्पीति वाला जो सीरीज़ है जो कि अभी नहीं आएगा, जो कि मैं रिटर्न आऊँगा 11th को, उसके बाद से आना स्टार्ट होगा, तो अभी जो भी पुराना कोई एक सीरीज़ रहेगा वो डाल दूंगा, अपलोड पे लगा दूंगा, स्केड्यूल कर दूंगा हर दिन आता रहे, ताकि अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख सकता है, नहीं देखना हो तो मत देखो यार। तो चलो ठीक है, इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।